मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन फाइटर टीजर ऑफ ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, सिद्धार्थ आनंद बाय वाईकॉम 18 स्टूडियो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं आई मुरली नायक, वेलकम टू माय चैनल, रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मतलब वो पता है मुझे कैसे वाइब आई दीपिका को देख के, बेशरम रंग वाला जो था ना वैसे टाइप की वाइब्स आई बीच बीच में। ओके, एंड रेस्ट किसी का कोई डायलॉग ही नहीं है पूरे टीजर में। मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई टाइटल अनाउंसमेंट वाला वीडियो, बिकॉज अगर हम वीडियोस देखेंगे तो साउथ के जो वीडियोस आते हैं वो टाइटल अनाउंसमेंट के वो ही इस लेवल के यूज होते हैं, जैसे टीजर और ट्रेलर ही कुछ आया होगा ऐसे। मतलब उनके टाइटल अनाउंसमेंट देखने में भी एक मजा आता है, बोलते ना उस टाइप का है। तो ये थोड़ा सा डायलॉग होता ना कुछ भी पेट्रोटिक, एक ऐसा जो जोश भर दे लोगों में तो और मजा आता, बिकॉज रिपब्लिक डे को रिलीज होने वाला है, फुल पेट्रोटिक और स्टंट्स है, सारी चीजें है अलग अलग एकदम, नहीं क्या बोलते ना ऐसे, क्या क्या देखने को मिला मुझे इसमें, बट एक डायलॉग होता पेट्रोटिक मजा आ जाता, मुझे ऐसा लगता है। वो एनीवेज ट्रेलर में मिल जाएगा, वो ट्रेलर में फिर हमको और ज्यादा पता चल जाएगा अबाउट द मूवी कैसा है। टीजर से थोड़ी बहुत आइडिया आ जाती है, फिर ट्रेलर से और भी ज्यादा आइडिया आ जाती है कि जाना है या नहीं जाना है, थिएटर जाके देखना है नहीं जाके देखना है, या ओटीटी पे हम एंजॉय कर लेंगे, किस तरीके की मूवी, ये हमको थोड़ी सी आइडिया ऑलरेडी आ जाती है। बट इस टीजर से मुझे बहुत कम आइडिया आई। एनीवेज स्टंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, एक्शन मूवी है, लव है, गाने हैं, सब कुछ है, पेट्रोटिक फीलिंग तो बहुत ज्यादा आने वाली है, नो डाउट। मुझे वो एंड वाला बहुत मजा आया, तो लेट्स वेट फॉर द ट्रेलर एज वेल। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन टीजर, फाइटर टीजर। आप अगर ऋतिक रोशन के फैन हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बताओ मुझे एक्साइटमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में, या अगर इस मूवी के लिए आपकी एक्साइटमेंट नहीं है तो कौन से मूवी के लिए, अपकमिंग कौन से मूवी के लिए आप एक्साइटेड हो, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निया ले। Bye.